कर्नाटक की पुकार, लव जिहादियों पर करो प्रहार। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। देश भर में जिहादियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, लूटी जा रही है हिंदी बहन बेटियों की इज्जत, और जिसे हम देवी मानते हैं, जिसे हम पूजते हैं। कर्नाटक के हुबली में नेहा नाम के कॉलेज स्टूडेंट की सरेआम चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। हत्या को अंजाम देने वाला फयाज पिछले साल तक नेहा के साथ ही पढ़ता था। वो नेहा का पहले दोस्त था, लेकिन नेहा ने आगे किसी भी तरह के संबंध से इनकार कर दिया तो उसने जान ले ली। फयाज ने नेहा के गले पर चाकू से 7 वार किए। इस घटना को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है और कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्ष बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने जहां इस घटना को 2 लोगों का निजी मामला बताया, तो वहीं बीजेपी ने लव जिहाद का संदेह जताया और कहा कि यह राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति को दर्शाता है। इसी मामले पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। राधा कृष्ण ने वसुधा को प्रेम का पाठ पढ़ाया, दोजे युग में राम जी ने भी प्रेम का मान बढ़ाया। प्रेम की खातिर मीरा ने कालकुट विषपान किया, हाड़ा ने प्राणेश्वर को प्रेम निशाने निज शीश दिया। प्रेम किया मातृभूमि से तो पन्ना ने चंदन वार दिया, प्रेम था राणा से तो चेतक ने नाला पार किया। लेकिन प्रेम की मानो आज अर्थी ही सच पड़ी है। देश भर में जिहादियों ने लव जिहाद का माया जाल रच दिया है, जिसमें फंसती है हिंदू बहन बेटियां। ये जो आप देख रहे हैं, इनकी सोची समझी चाल है। प्रेम की आड़ में लव जिहाद का ये पूरा माया जाल है। नेहा ने फयाज को रिजेक्ट किया, परिणाम नेहा की चाकू से गोद कर हत्या। श्रद्धा ने आफताब को सिलेक्ट किया, परिणाम श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए गए। आप चाहे सिलेक्ट करो या फिर रिजेक्ट, हश्न आपका आपके सामने है। कर्नाटक के हुबाली में कांग्रेस के निगम पार्षद की बेटी की उसके कॉलेज परिसर में सरेआम हत्या कर दी गई। जिहादी फयाज युवती पर उसके साथ रिलेशनशिप में आने का दबाव बनाता था और लड़की ने इससे इनकार कर दिया, और फिर जब नेहा उसके सामने आई तो उसने बेरहमी से नेहा के गले पर चाकू गोद गोद कर उसे मार डाला। पुलिस की जांच में ये सामने आया है कि फयाज अपने दोस्तों से बोलता हुआ फिरता था कि जिस लड़की ने उसका ऑफर ठुकरा दिया वो उसे खत्म कर देगा, और काट दिया हिंदू बेटी का गला। इस घटना को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है और कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। कांग्रेस ने जहां इस घटना को 2 लोगों का निजी मामला बताया, तो वहीं बीजेपी ने लव जिहाद का संदेह बताया और कहा कि ये राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति को दर्शाता है। नेहा हिरेमत के पिता कांग्रेस नगर सेवक निरंजन हिरेमत ने कहा कि प्रदेश में लव जिहाद तेजी से फैल रहा है, उनकी बेटियां कर्नाटक में सुरक्षित नहीं है। कर्नाटक के मुखिया जी सोने के सिंहासन पर बैठकर मक्खन की रोटियां तोड़ रहे हैं। क्या उन्हें नहीं दिख रहा कि उनके राज्यों की बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है, उन्हें हिंसा की आग में झोंका जा रहा है, उन्हें सरेआम चाकुओं से गोद कर मारा जा रहा है और सिद्धारमैया सरकार हाथों पे हाथ धर बैठकर तमाशा देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मोहित शुक्ल जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु। मोहिंदर प्रकाश जुड़ गए हैं, नेता हैं कांग्रेस के। अमित तिवारी जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के। आप तीनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। मोहिंदर प्रकाश जी, लगातार इस बात को लेकर सवाल उठता था चुनाव से पहले, जब तक आपकी सरकार नहीं बनी थी, कि कर्नाटक में कानून व्यवस्था बेहतर नहीं है, स्थिति आज भी वैसी ही है। सरेआम कॉलेज के परिसर में 7 बार किए जाते हैं चाकू से और अंजाम मौत। मोहिंदर जी,
महेंद्र जी सुन पा रहे हैं मुझे? थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अभी संपर्क नहीं जुड़ पा रहा है, लेकिन हमारे साथ अमित तिवारी जी जुड़े हुए। अमित तिवारी जी, कर्नाटक के सरकार पर आरोप लगा है कानून व्यवस्था बिगड़ने का, और साथ ही आपकी पार्टी ने यह कहा कि जो मामला सामने आया नया हीरे मत की जो मौत हुई है उसकी वजह लव जिहाद है। अमित जी। जी राणा साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है। राणा साहब देखिए, दिन दहाड़े कॉलेज परिसर में फयाज नाम का एक छात्र अपनी साथ में पढ़ने वाली युवती नेहा को मार डालता है चाकू से घुट घुट कर। बहुत ही शर्मनाक घटना है, इसकी मैं बहुत निंदा करता हूँ और मैं वहां की सरकार से अपील करता हूँ कि इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए, मैंने तो उस पिता का भी दर्द, नेहा के पिता निरंजन जी का भी दर्द सुना मीडिया के सामने, वो जो कह रहे थे कि वहां की कांग्रेस की सरकार ही अपराधी को बचाने में लगी हुई है। किस तरीके से उन्होंने कहा कि ये पूरा लव जिहाद का मामला है, पर सरकार इस चीज को एक्सेप्ट करने से ही परे है। तो ये साफ है कि नारी सुरक्षा इनके लिए चुनावी गुनाभार, चुनावी नफा नुकसान का मुद्दा है, ना कि इनकी नीतियों में ऐसा वो कुछ दिखता है। जिस तरीके से आप सोचिए, संदेश खली पर इनके इनका कोई जवाब बयान नहीं आता है। किस तरीके से जब भी आपके मणिपुर भी हुआ तो इन्होंने इतना हो हंगामा किया, पर उसके ऊपर भी सिर्फ यही निकला कि ये सिर्फ राजनीति करना चाहते थे और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो जब भी ये ऐसा कुछ हिंदू बहन बेटी के साथ होता है तो इनके जवान चल जाते हैं, लेकिन वही अगर किसी का दूसरे संप्रदाय या किसी एक विशेष जाति समाज के साथ होता है तो वो इस पर उसको एक मुद्दा बनाते हैं। तो ये साफ है कि इनके लिए नारी सुरक्षा, नारी सम्मान इनके लिए सिर्फ एक चुनावी गुणाभाग का मसला है और कुछ नहीं। ये बेटियों का नहीं, अमित जी कानून व्यवस्था पर सवाल और लव जिहाद का मामला दोनों अलग अलग है। क्या इसमें लव जिहाद का एंगल नजर आता है? नहीं देखिए, अगर लव जिहाद होगा तो वहीं पर तो ऐसे ऐसे केसेस आएंगे ना। अगर लव जिहाद नहीं होगा तो वहां पे कानून व्यवस्था बनेगा ही नहीं। अगर अगर सिर्फ लव है तो फिर कानून व्यवस्था का वहां पे सवाल ही नहीं आता, वो तो फिर ऐसा कुछ घटना होगी ही नहीं। लेकिन जहां पे लव जिहाद जुड़ जाता है वहीं पे ही ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती है। इस तरीके से वहां पर अगर नेहा की लड़ाई आप देखेंगे तो वहां पर एबीवीपी और बीजेपी के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता तो कुछ, कांग्रेस की सरकार तो वहां पर कुछ कर ही नहीं रही है। नेहा की लड़ाई आज एक कांग्रेस के कांग्रेस पार्षद है ना, उसके पिता नहीं, मैंने कानून व्यवस्था को लेकर इसलिए सवाल किया कि घटना कोई भी घटती है तो कानून व्यवस्था पर सवाल जायज है, लेकिन लव जिहाद का एंगल कैसे, मैं ये समझना चाह रहा हूं, मेरे दर्शक भी इस बात को समझे कि लव जिहाद का एंगल कैसे। नहीं देखिए, उनके क्या क्या फयाज के साथ किसी दूसरे संगठन के तालुकात निकले जो लव जिहाद को बढ़ाने के लिए उसको प्रोत्साहित कर रहे हो या उसको पैसा भेजा हो या किसी तरह से संलिप्तता नजर आई हो, वो दोषी है अलग बात है। तो उनके ये दावा तो उनके उस जो पीड़िता है उनके पिता ने किया है, जो पीड़िता है उनके पिता ने ये कहा है कि ये लव जिहाद, क्योंकि वो लड़का उसको उसका उसके पीछे पड़ा हुआ था, वो चाह रहा था कि वो उस जो भी वो कह रहा था वो पीड़िता उसे एक्सेप्ट करती। ये वो उसकी उसकी और जो कांग्रेस के नेता है वो पीड़िता के पिता है, वो ये सारे आरोप लगा रहे हैं। तो क्या हम महेंद्र जी नहीं सुनना चाहिए? क्या पीड़िता के पक्ष को इग्नोर कर देना चाहिए? ऐसा नहीं है। नहीं, मैं इग्नोर करने की बात ही नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ इसमें लव जिहाद के एंगल को समझना चाह रहा था। महेंद्र जी, घटना घटी है, दुखद घटना है, कानून व्यवस्था पर सवाल है, सरकार की लापरवाही कि इतने व्यस्त जगह पर कॉलेज के कैंपस में कोई आता है चाकू से सात वार करता है, मौत के घाट उतार देता है, इतना आसान है कर्नाटक में? सर्वप्रथम तो मैं इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए मैं उतनी निंदा करता हूं कि किसी की भी हो, किसी धर्म, किसी जाति, किसी रीजन, किसी किसी राज्य में हो, उसके साथ कोई भी, चाहे घर वाला, चाहे प्रेमी, चाहे पति या कोई भी ऐसी कार्रवाई करता है, फिजिकल असॉल्ट करता है, जान से मार देता है, ये घटना इतनी निंदनीय है और इतनी सजा के योग्य है कि हमारे कानून इतने सक्षम हैं कि उसको पूरी सजा देते हैं। ये बात और है कि कानून जब प्रक्रिया चलती है तो उस प्रक्रिया में समय लग जाता है। जहाँ तक मेरे ये कर्नाटक में जो लव जिहाद का ये मामला मेरे साथी बीजेपी के है,
ये जबरदस्ती उसके पिता बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती उसके अभिभावक बनने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं ये बयान तो, ये बयान तो आप ही के नेता निरंजन ने दिया है, जो मृतका के पिता हैं, उन्होंने कहा कि लव जिहाद का मामला है। मैं वही आ रहा हूँ सर। हाँ। देखिए उसके पिता है, उनका दुख अपरंपार होगा। हाँ। उनके दुख की बात, हम उनके दुख में शरीक है। कांग्रेस की सरकार जो कर्नाटक में बैठी है, उन्होंने पूरा का पूरा जो कानूनी व्यवस्था के अनुसार करना चाहिए पूरा किया है। मैं एक बात जो कहना चाहता हूँ, देश के अंदर कोने कोने में न जाने कहाँ कहाँ अपराध होते हैं। ये इलेक्शन के टाइम पे ही खास तौर पे इन इस किस्म की चीज को उठाकर जो बीजेपी राजनीतिक हथकंडा बनाती है, कोई मछली क्यों खा रहा था। मोहिंदर जी देखिए, मैं उस पर काउंटर सवाल कर चुका हूं, उन्होंने जिहाद का मुद्दा उठाया था, मैं उस पर काउंटर सवाल पूछ चुका हूं। मेरा सवाल आपसे है कि आखिर सजा क्या होगी? पीड़ित परिवार ने एनकाउंटर की मांग की है, तो क्या एनकाउंटर होगा? आपको अच्छी तरह मालूम है, सरदार मनमोहन सिंह हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, कसाब को पकड़ा गया था, पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी ने देखा कि पूरा कसाब को मौका दिया गया बचने का कि आप अपने। वही तो पूछ रहा हूँ, वही तो पूछ रहा हूँ कि आखिर अपराधियों से इतनी हमदर्दी क्यों होती है कांग्रेस को कि उन्हें बचाव का मौका दिया जाए? क्या उसने बचाव का मौका दिया नेहा को? मैं राणा साहब आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आई विटनेस कोई नहीं होता कि मैंने आंखों से देखा है, ये सब बाद में बनाई जाती हैं बातें। कानूनी प्रक्रिया अपना काम करेगी। टीवी का फुटेज सामने, वीडियो है, सामने वीडियो है, मौके से पकड़ा गया है। आप अभी भी नकार रहे हैं उस बात को। मैं तो हिंदू मुस्लिम को लेकर बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो कानून व्यवस्था पर बात कर रहा हूं। मैं तो आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आरोपी को सजा मिलेगी, क्या फांसी होगी, एनकाउंटर होगा, जो मांग परिवार की है। देखिए परिवार की डिमांड भावावेश में होती है, कानून अपने हिसाब से चलता है। यानी कि जिस परिवार की बेटी गई, जिस परिवार की बेटी मर चुकी है, वो अगर कह रहा है कि इसको सजाए मौत मिलनी चाहिए, वो कह रहा है इसका एनकाउंटर होना चाहिए, ये भावनात्मक है? ये तो सरकार को भी कहना चाहिए था। मैं आपसे छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, क्या कानून इस चीज की इजाजत देता है? ये देश कानून से चलता है, ये बीजेपी वाले जिस तरह से। लेकिन कानून तो इस बात की भी इजाजत नहीं देता ना कि बीच कैंपस में किसी को 7 बार चाकू मारे जाएं, इजाजत तो ये भी नहीं देता कानून। देखिए जनाब आप, यानी कि जो दोषी है उसके लिए कानून सबसे ऊपर कैसे हो जाता है? राणा साहब मेरी बात सुनिए, तो क्या हर एक आदमी के हाथ में बंदूक पकड़ा दे कि एक दूसरे को मार डालिए? कानून क्या परिवार ने ये कहा कि बंदूक मुझे दीजिए मैं एनकाउंटर करूंगा? नहीं मोहिंदर जी बताइए ना, परिवार ने ये मांग की? राणा साहब मेरी बात पहले आप मेरी बात का जवाब दीजिए ना, क्या परिवार ने ये मांग की कि मेरे हाथ में बंदूक पकड़ाइए उसका, उसको मैं मौत दूंगा या मैं एनकाउंटर करूंगा, ये कहा परिवार ने? राणा साहब ये बताइए, क्या क्या सरकार कहीं छूट दे रही है? क्या कानून? नहीं नहीं मोहिंदर जी, आपने अभी कहा कि क्या हर आदमी के हाथ में बंदूक पकड़ा दी जाए, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या परिवार ने ये मांग की है कि उनके हाथ में बंदूक दी जाए, वो खुद मारेंगे उसको, ऐसी कोई मांग है परिवार की? राणा साहब मेरी बात को आप खींचिए मत, मैंने सिर्फ एक ही बात कही है कि तो मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ ना आपसे, परिवार ने कहा कि या तो एनकाउंटर हो या फांसी की सजा हो, तेजी के साथ केस चले और न्याय मिले, आप इस बात को इनकार कर रहे हैं। राणा साहब आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे, क्या कोई सरकार एनकाउंटर के लिए कह सकती है कि हम एनकाउंटर कर देंगे? तो सरकार ये तो कह सकती है ना, जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। आपके आपके नेता कह रहे हैं कि वो तो उनका आपसी मामला है। यही 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 बात आ जाती है बीजेपी में, हम कानून का पालन करते हैं और ये कानून को तो कानून का पालन उस पीड़ित परिवार के लिए कीजिए ना, आप तो दोषी के साथ परिवार कानून का पालन करा रहे हैं। यहाँ आप कह रहे हैं कि मनमोहन सरकार थी तो कसाब को मौका दिया गया, अरे जो परिवार के लोग गए उनको मौका देना चाहिए था। राणा साहब वो 45 आदमी भी मारे गए थे सीआरपीएफ के, क्या उसकी इंक्वायरी की रिपोर्ट आई आज तक? उसमें एक्शन हुआ या नहीं हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ। दोषियों पर क्या स्ट्राइक नहीं हुई थी? एयर स्ट्राइक क्या हुई थी उन 45 आदमियों को जिन्होंने मरवाया? अरे मोहिंदर जी, अरे मोहिंदर जी कहां को कहां बात लेकर जा रहे हैं, खुद के सवालों का जवाब दिया नहीं जा रहा तो दूसरी जगह चले जाएंगे। अजय बताइए ना, न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। कैसे कब तक? कैसे कब तक मोहिंदर जी? कुतर्क मैंने अपने जीवन में नहीं सुना था जो मोहिंदर जी दे रहे हैं यहाँ पे, ये कैसा कुतर्क है? तो अमित जी मैं लौटूंगा आप ही के पास लौटूंगा। मोहिंदर जी कैसे और कब तक न्याय मिलेगा? राणा साहब मैं एक मिनट एक एक आखिरी बात कह के बात खत्म करता हूँ अपनी। हाँ देखिए आपकी भावनाएं, देश की भावनाएं, हमारी भावनाएं मैंने पहले ही प्रकट की, इसकी जितनी निंदा की जाए उसको जितनी कड़ी से कड़ी निंदा नहीं चाहिए सकता है
वो सजा इसे मिलनी चाहिए। मोहिंदर जी और वो निंदा सजा नहीं हम जला चाहिए, के रहेंगे परिवार को भी निंदा नहीं चाहिए इस घटना की, उसको उसे देखिए, न्याय चाहिए। मैं भावावेश में आकर नहीं कहूंगा कि कल चौराहे पे खड़ा करके गोली मार देंगे उसको। मैं भी नहीं कह रहा कि चौराहे पर खड़ा करके गोली मार दीजिए, ना परिवार कह रहा है कि चौराहे पर खड़े करके गोली मारिए उसे। करेक्ट, आपने ठीक कहा। अब मैं कहता हूं कि सरकार कानून के हिसाब से जो सख्त से सख्त सजा है उसे देगी। पहले सरकार ये तो स्वीकार करे कि ये घटना है, पहले स्वीकार तो करे कि ये आपराधिक घटना है। वो तो कह रहे हैं दोनों के बीच का निजी मामला है। देखिए सर, आप इस तरह से बात मत करिए। आप सरकार ने उसे गिरफ्तार किया है, सरकार ने गिरफ्तार नहीं किया है, कॉलेज कैंपस के छात्रों ने, कर्मचारियों ने उसे पकड़ा और पुलिस को सौंपा है। कर्नाटक की पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया उसे, कोई मेहनत नहीं की उसे गिरफ्तार करने के लिए। राणा साहब, पुलिस 24 घंटे थाने में वहां कहीं हर जगह नहीं खड़ी रहती, कोई तो पकड़ेगा। ठीक है, ठीक है, किया ना? लौटूंगा लौटूंगा मोहिंदर जी, लौटूंगा लौटूंगा मोहिंदर जी। हाँ तो क्रेडिट फिर उन कर्मचारियों को दीजिए ना, और छात्रों को दीजिए, पुलिस को मत दीजिए। मोहित जी, आखिर ये सोच कि आपराधिक घटना हो जाती है और उसके बाद भी कहा जाए कि ये तो दोनों के बीच का निजी मामला है, सरकार गंभीर नजर आती है ऐसे आपराधिक मामलों पर? देखिए, सरकार की जो है तुष्टीकरण की नीति है और सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। हिंदू अगर हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? हिंदुओं का तो कोई देश भी अन्य नहीं है, मुसलमानों के 57 कंट्रीज है, और आज ये स्थिति है कि हिंदू हिंदुस्तान में भी सुरक्षित नहीं रह पा रहा। कहीं पर रामचंद्र जी की शोभा यात्रा पे हमला हो रहा है, कभी हिंदू बेटियों के साथ लव जिहाद हो रहा है, तो हिंदू कैसे सुरक्षित रहेगा? क्या हिंदू जो है क्या सेकंड सिटीजनशिप मिली हुई है? ऐसा नहीं, संविधान में सबको बराबर अधिकार है। मगर जो मैं कांग्रेस के नेता जी बैठे हैं ये बताए कि पहले ये मुसलमानों को देखते हैं और उसके बाद हिंदुओं को जो है देखते हैं कि भाई हिंदुओं को क्या तकलीफ है, तो सबको बराबर से हक मिलना चाहिए ना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुसलमानों के दुख दर्द मत देखिए, मगर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो उसके लिए मैं मांग करता हूँ मोहित जी, मोहित जी, मोहित जी, मोहित जी, मोहित जी, उसको न्याय दिया जाए। मोहित जी, मैं तो ये कहता हूँ कि हिंदू मुसलमान देखना ही क्यों है? जिसने अपराध किया अपराधी को देखिए, उसका धर्म या जाति देखने की जरूरत क्या है? आप ये देखिए, हिंदू कहाँ ऐसा काम करता है, ये तो मुसलमान ही जो है लव जिहाद फैला रहे। नहीं देखिए मोहित जी, मोहित जी, मोहित जी, ऐसे बयान मत दीजिए, मैं आंकड़े गिना रहा हूँ। मुंबई का मनोज याद है? मोहित जी, मोहित जी, मुंबई का मनोज याद है जिसने अपनी प्रेमिका के कई टुकड़े किए थे और मांस खिलाया था कुत्तों को, याद है? एक आठ एक आठ मैं दूसरा गिना देता हूँ। उत्तराखंड में एक पति ने अपनी पत्नी के कई टुकड़े किए थे, 72 से ज्यादा टुकड़े किए थे अपनी पत्नी के, उत्तराखंड का मामला है, और 10 से 15 साल बाद जाकर उसको न्याय मिला था। मैं इसीलिए कह रहा हूँ अपराधी देखना सीखिए। पूरे वर्ष में पूरे विश्व में होते हैं, किंतु जो है आप जो लव जिहाद पर आज की डिबेट है तो मैं लव जिहाद जी, मोहित जी, मैं इसीलिए ये पूछ रहा था। मोहित जी, 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 क्या आपने भी चलिए लव जिहाद का मामला? मोहित जी, मोहित जी, मोहित जी, मोहित जी, मोहित जी, चर्चा में निरर्थक नहीं चाहता हूँ। क्या अभी तक फयाज अपराधी है? उससे कोई मेरी किसी भी तरह से हमदर्दी नहीं है, लेकिन क्या फयाज का लव जिहाद को लेकर कोई भी कनेक्शन अभी तक सामने आया किसी संगठन के साथ? देखिए, जो जिस तरीके अगर कोई व्यक्ति प्रेम करता है तो उसको चाकुओं से इस तरीके से नहीं गोदेगा, इस तरीके से उसकी नृशंस हत्या नहीं करेगा। यहाँ पर प्रेम नहीं है। मैं तो समस्त हिंदू जो मैं हमारे तो देश कह रहा हूँ ना, वो ये अपराधी घटना है, नेताजी थे तो ये अपराधी घटना है, फयाज अपराधी है, उसको सजा मिले चाहे सरकार एनकाउंटर का आदेश दे या फांसी का। भाई मैं तो चाहता हूँ कि उसका एनकाउंटर तत्काल हो जाना चाहिए। ठीक है अमित जी, होने में तो समय अमित जी, लगेगा अमित ना? जी, अमित जी, ठीक है अमित जी, घटना है, निंदनीय है, न्याय नेहा को उसके परिवार को मिलना चाहिए। क्या लव जिहाद का एंगल इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि दूसरे और तीसरे चरण में कर्नाटक में चुनाव है, और तीसरे चरण में जहां ये घटना हुई हुबली में और जिस लोकसभा के भीतर ये आती है धारवाड़ के, उसमें चुनाव है, इसलिए जोड़ा जा रहा है? नहीं राणा साहब, मैंने पहले ही कहा, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान हमारे लिए चुनावी नफा नुकसान या चुनावी गणित जोड़ भाग का विषय नहीं है, ये कांग्रेस का विषय है। वरना आप देखिए, मैं तो हैरान हूँ मोहिंदर जी के वक्तव्य से। कैसा वक्तव्य है कि सबके हाथ में बंदूक दे दिया जाए? अरे तो अगर बंदूक ना दिया जाए तो श्रद्धा के कातिल के हाथ में किसने चाकू पकड़ाया? अभी नेहा के कातिल के हाथ में किसने चाकू पकड़ाया? किसी ने मनोज के हाथ में किसने पकड़ाया था? अमित जी,
मुंबई वाले मनोज के हाथ में किसने पकड़ाया था चाकू? वो विचार, एक विचारधारा, उस विचारधारा को खत्म करने के प्रयास करना चाहिए ना। जो विचारधारा ऐसे कुकृत्य करने पे आपको मजबूर करती है, आपको उस विचारधारा पे हमला करना चाहिए और उस विचारधारा की निंदा करनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस की जवान से ऐसा निकल ही रहा। आपका आज देखेंगे कांग्रेस के मंत्री हैं कर्नाटक में, वो क्या कहते हैं कि लड़की की कहीं और शादी होने वाली थी, इसलिए लड़के ने उसे चाकू मार दिया, इसमें लव जिहाद का कोई मसला नहीं है। क्या आपको इतना सिंपल ही ऐसा लगता है? एक व्यक्ति, एक नियुक्ति की जान चली गई, उसका पूरा भविष्य आगे। मैं भी तो यही चाहता हूँ अमित जी, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि लव जिहाद के एंगल पर इसको घुमाने की क्या जरूरत है? बीजेपी भी मांग ये क्यों नहीं करती है कि अपराधी फांसी की सजा हो, न्याय मिले? यही मांग करते हैं, लेकिन ये जो विषय है ये पीड़िता के पिता ने उठाया है और उसके उनके दर्द में हम उसके सहभागी हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए ना, वहां की नेहा की लड़ाई आज कौन लड़ रहा है कर्नाटक में? आज वहां पे आप देखेंगे एबीवीपी के कार्यकर्ता सड़कों पे हैं। सरकार कहां नजर आती है? सरकार उसको अगर चाहती तो उस पर सख्त से सख्त भरायत लगा। अमित जी, यही तो राजनीति का सबसे दुखद परिदृश्य होता है। राजनीति का सबसे दुखद दृश्य यही होता है। हाथरस में घटना होती है, बीजेपी का एक कार्यकर्ता नहीं दिखता है प्रदर्शन करते हुए, कांग्रेस वाले नजर आते हैं। कर्नाटक में होता है तो एबीपी के छात्र पहुंच जाते हैं प्रदर्शन करने, कांग्रेस का एक आदमी नजर नहीं आता। राजस्थान में घटना होती है जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस का एक आदमी नजर नहीं आता, प्रियंका गांधी को दर्द नजर नहीं आता, लेकिन उन्हें बाकी घटनाओं पर नजर आता है। संदेश खाली में टीएमसी के किसी नेता को दर्द नजर नहीं आता, मणिपुर में बीजेपी के किसी नेता को दर्द नजर नहीं आता। यह परिदृश्य दुखद है राजनीति का, जो नहीं होना चाहिए। नहीं राणा साहब, मैं आपकी इस वक्तव्य से सहमत नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ, मणिपुर में हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो 3 दिन वहां गए, वहां का दौरा किया, सारी चीजों पे व्यवस्था ली, प्रधानमंत्री स्वयं। रिजल्ट फिर भी जीरो था, मैं विषय से नहीं भटकना चाहता अमित जी, रिजल्ट जीरो था और जीरो है, अभी तक जीरो है। अमित जी, मैं नहीं जाना चाहता मणिपुर पर, मैंने उसे उदाहरण दिया, मैं उस घटना पर नहीं जाना चाहता, मैंने उदाहरण दिया कि राजनीति की कितना गिरता हुआ स्तर है ये, कितना बुरा दृश्य है ये, कि जिस राज्य में जहां पर सरकार जिस पार्टी की हो वो अपनी पार्टी के या उस सरकार को कुछ कहने के लिए तैयार ही नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी घटना हो जाए। मणिपुर पर आप भी हमें एंगल समझाते हैं बैठाकर कि देखिए वहां ऐसा मैटर था इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं, संदेश खाली में आप बताते हैं देखिए ऐसा है क्यों नहीं बोल रहे हैं ये, तो इस वाली सोच को बदलने की जरूरत है अगर देश को बचाना है तो। मोहिंदर जी, राणा साहब इसी सोच को बदलने, मैं वही बात कर रहा था कि ये अमित जी, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, यही तो राजनीति है, यही राजनीति है। आप देखिए ना, सुप्रिया सिनेट ने किस तरीके से कंगना रणौत के बारे में अभद्र टिप्पणी की, क्या उसने? नहीं देखिए, उस मैटर पे मैं जा ही नहीं रहा हूँ, मैं उस मैटर पे जा ही नहीं रहा हूँ अमित जी उस मैटर पे मैं जा ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो बयान भी सुने हैं कांग्रेस की विधवा जर्सी गाय, वो बयान भी मैंने सुने हैं, मैं इसलिए उस नीचता के स्तर पर जाना ही नहीं चाहता हूं। मोहिंदर जी, पिता, एक पीड़ित पिता जिसने अपनी बेटी को खो दिया है, वो न्याय की मांग कर रहा है आपकी कर्नाटक सरकार से, और आपके नेता समर्थन अगर करेंगे उसकी पीठ थप्पर हाथ रखने की बजाय उसके सामने आकर कहेंगे कि देखिए ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं करेंगे, तो दुख होगा उस पिता को। कब मिलेगा न्याय उस पिता को? आपका कथन बिल्कुल सत्य है। देखिए, मेरा ख्याल है कि कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी लोग इस चीज से संबंधित हैं, वो बड़े सम्मानित हैं, बड़े बुद्धिजीवी हैं, उनको पता है कि ऐसे मामलों को किस तरह से हैंडल किया जाए, और जब बीजेपी ताक में बैठी हो तो ऐसा कोई मौका देना नहीं चाहते होंगे। अगर ऐसी चीजें कोई बाहर आई है तो इमेच्योरिटी है, बोलने वाले की इमेच्योरिटी है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ कांग्रेस पार्टी की ओर से भी और पूरी जिम्मेदारी के साथ। लेकिन इसमें धर्म का एंगल ना देख करके अपराध की अगर एंगल आप देखेंगे कि अपराध कोई भी करे, उसमें धर्म को ना देख करके अपराधी को देखा जाए, तो मेरा ख्याल है कि चीजें ज्यादा बेहतर होंगी। और राणा साहब, आपने बहुत अच्छा कहा कि पॉलिटिकल लोग अपने हिसाब से चीजों को रंग देने की कोशिश करते हैं, ये सभी पार्टियां, इन सभी पार्टियों को इसको सिर्फ अपराध को एंगल को देखना चाहिए। अगर किसी दिन ऐसी चीज आती है, राजनीति से ऊपर उठकर लोग करते हैं, तो शायद हिंदुस्तान के इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काफी सुधार आएगा। बिल्कुल नहीं, देखिए मेरी पीड़ा इसलिए है कि आप ही की पार्टी के पार्षद हैं वो निरंजन, और वो अगर ये कह रहे हो कि मुझे इंसाफ मिले, मेरी बेटी को इंसाफ मिले, उसे फांसी की सजा हो, उसका एनकाउंटर हो, मान लीजिए भावनाओं में भी उन्होंने बातें कही हो, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार ये कहे कि नहीं देखिए ये तो निजी मामला है साहब, इस पर तो ऐसे नहीं करेंगे हम, तो उस पिता को दुख होगा। ये
मैच्योरिटी के और कर्नाटक के हर पिता को दुख होगा। आप यकीन जानिए न्याय बकायदा मिलेगा। और मैं आज अपने पर्सनल लेवल पे भी आज आपके इसमें कमिटमेंट करके जा रहा हूँ कि अभी मैं नीति जाकर के आई विल सेंड द ईमेल टू कांग्रेस प्रेसिडेंट टू टेक अप दिस मैटर एज सून। क्या कांग्रेस की इसी लचर व्यवस्था की वजह से कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। इस चीज को वहां से मत जोड़िए, इस चीज को वहां से मैं राणा साहब आपसे तो मुख्यमंत्री को ये कहने में क्या जाता है एक बयान देने में कि इंसाफ मिलेगा और जल्द से जल्द मिलेगा, उसे निजी मामले से जोड़ने की जरूरत क्या है? आप राणा साहब यकीन जानिए आपको मैं बिल्कुल आपको सेटिस्फाई करके जा रहा हूँ, उसको न्याय मिलेगा, बकायदा मिलेगा। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। मैं देश की हर माता बहन बेटी को कहना चाहूंगा, प्रेम के नए नए गीत सुनाएगा वो तुमको, चांद सितारों के ख्वाब भी दिखाएगा वो तुमको, बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन भी करवाएगा, शोषण कराएगा तुम्हारा, हलाला भी करवाएगा। लेकिन आपको उसकी नजर को पहचानना होगा, आपको उससे बचने की जरूरत है और धर्म से ज्यादा सच्चाई और इंसानियत को पहचानने की जरूरत है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।